एक गांव में अब एसएमएस पर निकाह हो रहा है और देवबंद ने इसके खिलाफ फौरन फतवा जारी किया, वो भी एसएमएस पर। बट सीरियसली, जस्ट इमेजिन, ये एसएमएस निकाह होते कैसे होंगे? मौलवी साहब जो होते होंगे वो साहब लड़की को एसएमएस भेजते होंगे, कबूल है? उधर से लड़की एसएमएस पर कह देती होती, कबूल है। मौलवी साहब फिर भेजते होंगे, कबूल है? लड़की कहती होगी, कबूल है। मौलवी साहब फिर भेजते होंगे, कबूल है? लड़की कहती होगी, अबे पूरा बैलेंस इसी में खत्म करवा दोगे क्या? कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल इंटू थ्री, ऐसे एसएमएस भेज देना। एनीवे, टाटा कंपनी ने कहा है कि वो अब अपना उत्तराधिकारी खोजना शुरू कर चुके हैं और राज ठाकरे ने कहा है, मैं हूं ना, मैं हूं। जब भी असली उत्तराधिकारी नहीं मिलता, मुझसे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। और वैसे भी मेरी वजह से जितने लोगों ने मुंबई को टाटा बोला है, उतना किसी और की वजह से नहीं बोला। बोनी कपूर को कायरो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, नहीं किसी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि श्रीदेवी से शादी करने के लिए। वॉट एन अचीवमेंट, यू मे बी बोनी, शी इज नॉट, कीप बोनिंग हर। आई नो यू वॉन्टेड इट मोर देन द अवार्ड। अब चलते हैं सड़क पर और जनता से जानते हैं अलादीन ने कौन कौन सी उनकी विश पूरी की है। आइए। एक्सक्यूज मी, हाय ब्रदर, जय हिंद, में आपका स्वागत है। अगर आपको अलादीन का चिराग मिलता तो आप उसे घिसकर क्या विश मांगते? मैं विश करूंगा कि मेरे पास आईफोन एस आ जाए। आईफोन एस? मतलब आप जीनी से आईफोन एस मांगेंगे? हाँ। क्या बात है, ये आजकल की जो यंग जनरेशन है बहुत अल्प संतुष्ट है। या दे नीड्स अ वेरी स्मॉल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादा। दादा दादा, जय हिंद, में आपका स्वागत है। अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप क्या विश मांगोगे? गांधी जी को फिर से जिंदा कर लो। महात्मा जी? हाँ जी, इस देश के लिए उनका बहुत जरूरत है। उनके बिना ये देश पाकिस्तान की तरह टूट जाएगा। मैं तो कहता हूँ सरदार को भी जिंदा कर लो। अच्छा? हाँ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं तो कहता हूँ नेहरू जी को भी जिंदा कर लो। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि एक ही विश है आपके पास। एक ही विश है? हाँ। तो एक ही विश में तीनों को जिंदा कर लो। ठीक है अभी। क्या कहें। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया। अगर अलादीन का चिराग आपके पास होता तो आप क्या विश मांगते? मैं कहूँगा भैया हमको मराठी बोलना सिखा दो। अरे आप अमेरिका जा सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हमें अमेरिका भेज दो, हमें जापान भेज दो। तो उनको हिंदी बोलना सिखा दो। भैया ये असली मुंबई कर है। जयराम जी, जयराम जी। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? गुड। अच्छा, अलादीन का जो चिराग है अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या विश करोगे? मैं मांगूंगा अमिताभ बच्चन और संजय दत्त को सद्बुद्धि दे। इस उम्र में क्या चुतियापा कर रहे हैं अलादीन जैसा। बहुत गुस्सा है, अगर मुझे चिराग मिल जाए तो मैं सबसे पहले भाग जाऊं यहाँ से। हे, हाय ब्रदर, हाय, वेलकम टू जय हिंद। थैंक यू। अगर तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए तो तुम कौन सी विश मांगोगे? सर, मेरी विश होगी कि मैं एक ऐसे कोई आइलैंड पर अटक जाऊं जहां सिर्फ मैं हूं और एंजेलिना जोली हो, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, ऑफ कोर्स दीपिका पादुकोण, जूलिया रॉबर्ट्स, शकीरा, हम सब एक आइलैंड पे हमेशा के लिए अटक जाएं। और सर, ये विश मेरी नहीं, उन सब की होनी चाहिए। नो, दैट्स सम विश, इसे मैं विश कहूंगा। क्या बात, एक नाम लेना भूल गया यार तुम, फ्रीडा पिंटो। पिंटो? शी, Who wants a girl with a second name Pinto? Woo! Crazy, crazy people. और अगर आपकी भी कोई और विश हो
तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ना, हाँ हम उसे पीएम तक पहुंचा देंगे, जो उसे राहुल गांधी को देंगे, जो उसे सोनिया जी को देंगे, जो उसे आपके स्टेट के सीएम को देंगे, जो उसे आपके डिप्यूटी सीएम को देंगे, जो हटा दिए जाएंगे और बिग बॉस में आएंगे, उसके बाद आपकी विश बिग बॉस में पूरे देश के सामने जोक की तरह सुनाई जाएगी और आपके पास मौका होगा उसे वोट आउट करने का। नाउ दैट्स व्हाट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। जय हिंद।